बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, इस तरह के नारे देखने और सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। रोजगार की सरकार है, इस तरह के नारे जब जदयू के लोग बोलते हैं तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इन नारों के उलट बिहार में काफ़ी कुछ हो रहा है। कल्पना कीजिए कि आप किसी विभाग में पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं, आप दफ्तर में हैं और एकाएक आपको जानकारी मिलती है कि आपको कल से नौकरी पे नहीं आना है, तो आपको सुनकर कैसा लगेगा, आपके ऊपर कैसे बीतेगा। कुछ इसी तरह की घटना हुई है बिहार में 4000 से ज़्यादा गेस्ट टीचर के साथ जो +2 स्कूलों में काम कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूँ आपका साथी रिपोर्टर प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज के डिजिटल फॉर्म में आपका स्वागत है। हम सीधे यहाँ के जो हमारे साथ जो जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं उनसे बात करेंगे जो कल तक गेस्ट टीचर थे, आज वो दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। थोड़ी देर पहले इन लोगों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, जो सुनील कुमार हैं, क्या बात हुई उन लोगों से आपसे? जी सर, पिछले बुधवार को जनता दरबार में हम गए थे अपनी फरियाद को लेकर के। 2018 में हमारी बहाली हुई थी और 30 मार्च 2024 को हमें सेवा मुक्त कर दिया गया। जब हम उस समय विद्यालय में काम कर रहे थे, हम बोर्ड पे थे, हमें रोड पे ला दिया गया। आज 6 महीना से मैं सारे नेताओं के पास जाते जाते बुधवार को जनता दरबार में गया और शिक्षा मंत्री ने मुझे कहा कि आप ACS से मिलिए और ACS से मिलके आप हमसे मिलिए, आपसे निर्णायक बात होगी। महोदय ने 1 सप्ताह का समय लिया, आज बुधवार है, मैं फिर आज गया सचिवालय में। 1 सप्ताह मैंने लगातार पटना में रह के सचिवालय का चक्कर लगाया गया और वहाँ पे ACS साहब से मिलने में काफ़ी दिक्कतें आई। जिस किसी भी तरह मैं ACS से तो मिल लिया, उन्हें आवेदन भी दे दिया और ACS ने कहा कि ठीक है, हम विचार करेंगे। हमने कहा महोदय हमारा रोड पे हमारे परिवार आ गए, बाल बच्चे आ गए, आप जरूर हम लोग का कुछ कल्याण कीजिएगा। अब वो फिर बोले शिक्षा मंत्री के पास, आज मैं शिक्षा मंत्री का फिर जनता दरबार था और मुझे वो उन्होंने स्पेशल चैम्बर में बुलाया आपने। मैंने कहा कि सर आपसे हम जनता दरबार में मिले थे, आपने कहा था, उनका नाम भी सुनील कुमार है, मेरा नाम भी सुनील कुमार झा है और उनका नाम भी सुनील कुमार है। उन्होंने कहा कि कहा था आवेदन दीजिए, जाइए। मैंने कहा सर मैंने 100 बार आवेदन इस सचिवालय में दिया है तो वो हम पे बिगड़ गए, दिया है तो हम कह सर हमारी रोजगार रोटी छिन गई है, हमारे बाल बच्चे मर रहे हैं भूखे, हमारे बूढ़े माता पिता हैं, हम कैसे जीवन यापन करेंगे? 6 साल से हम कार्यरत थे, हम सारी योग्यता अर्हता को हम पूरा करते हैं। यही विजय कुमार सिन्हा जब विपक्ष में थे तो इनका एक वीडियो है मेरे पास में और ये कहते हैं कि 6 साल से गेस्ट टीचर सक्षम था, अब अक्षम कैसे हो गया, आप पॉलिसी बनाइए, इनको रखिए। और ये विजय कुमार सिन्हा अब जब सत्ता में आए हैं तो ये कुछ नहीं बोलते। ये सम्राट चौधरी भी कहते थे कि अतिथि शिक्षक को अस्थायी कब करोगे, इन लोग से मैं 100 बार मिला, किसी ने कोई एक हम लोग को बस आश्वासन से पेट भरता है क्या? बिल्कुल सही कहा, आश्वासन से पेट नहीं भरता है, भरोसे से पेट नहीं भरता है, नौकरी से पेट भरता है। इस वक्त जबकि पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, युवा जो है रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां बिल्कुल कम हो गई है, इस हालात में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी, लेकिन अब इनकी हालत बहुत ही बुरी हो गई है। इनके चेहरे को देखिए आप, ये इनकी उम्र जो है 45 साल है, 50 साल है, अब ये किसी नौकरी के लिए फिट नहीं है। इनके पास केवल और केवल शिक्षा विभाग की नौकरी है, वो भी नौकरी इनसे छीन ली गई है। कहाँ से आए हैं आप? हम सुपौल जिला से आए हुए। कौन से स्कूल में टीचर थे आप? वहाँ परियोजना बालिका उच्च विद्यालय +2 उच्च विद्यालय बेल ही पढ़ता है, मरोना के पास। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा फिजिक्स है। तो नौकरी से निकाल दिया गया 1 अप्रैल 2024 को, तो फिजिक्स के टीचर वहाँ पे आए थे या फिर यूँ ही निकाल दिया गया? नहीं, वहाँ तो फिजिक्स के टीचर BPSC से आए, निकाल दिया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक गेस्ट टीचर के रूप में नौकरी कितने दिनों तक किया जा सकता है? 6 महीना, साल भर या 6 वर्ष तो नहीं। 6 वर्ष हम लोग काम किए, नियमित शिक्षक, एक नियोजित शिक्षक का जो समय होता है अराइवल और डिपार्चर, उसके अनुसार हमने विद्यालय में काम किया। सरकार के द्वारा यह आदेश था, हम ऐसे नहीं किए, सरकार के द्वारा ही यह चिट्ठी में लिखा हुआ था, उस समय से जाना, उस समय से आना। इसके बाद भी हम लोग
कॉपी मूल्यांकन की विषम परिस्थिति में कोरोना वायरस में जिस समय नियोजित शिक्षक स्ट्राइक पर थे तो हम लोग मास्क लगाकर सैनिटाइजर के साथ जो है अब अपने जीवन पर खेल करके जो है सो कॉपी का मूल्यांकन किए इंटर और मैट्रिक के। इसके बाद जनगणना में काम किए, इलेक्शन ड्यूटी किए, क्वारंटाइन में हम लोगों को लगाया गया क्वारंटाइन सेंटर में। जी जी, तो सारा काम एक नियोजित शिक्षक, एक क्या कहते हैं नियमित शिक्षक की तरह किए। आ हमको जो है 6 वर्ष के बाद एकाएक चिट्ठियां निकलती है कि आप लोग घर जाइए। अभी हम लोगों का वह उम्र नहीं रह चुका है जो किसी विद्यालय में हम किसी कंपटीशन में हम लोग जा सके। हम लोगों के पास पारिवारिक जो है सुबोझ है। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 50+ है। कितने बाल बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। क्या क्या करते हो? बच्चे सब पढ़ रहे हैं अभी। 50 माता पिता का बूढ़े माता पिता हैं। इनका जो है सो जवाबदेही मेरे ऊपर है। सारा चीज हम लोग किस प्रकार से निर्वहन करेंगे। आज जब से हटे हैं उससे पहले से भी अभी तक पटना की धरती पर सभी नेता और मंत्री से हम लोग मिल रहे हैं। केवल मिलता है हम लोगों को आश्वासन, भरोसे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। 50 साल इनकी उम्र है। कहा जाता है कि वैसे लोग जो संकट में आपका साथ देते हैं उनको कभी भूलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा हम इतिहास बता देते हैं कि बिहार में जब शिक्षक नियोजन शुरू हुआ उसके बावजूद इतिहास जैसे विषयों में शिक्षक तो मिल गए लेकिन जो साइंस के विषय थे बॉटनी, जूलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में शिक्षक नहीं मिले। साल 2018 में शिक्षा विभाग ने फैसला किया कि गेस्ट टीचर पे गेस्ट शिक्षकों को रखा जाएगा और उन्हें कहा जाएगा अतिथि शिक्षक। इनकी बहाली हुई जुलाई 2018 में, इनका काउंसलिंग हुई और बाद में इन्हें 25,000 का वेतनमान मिलने लगा। यानी जब सरकार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं थे तब इन्होंने सरकार का साथ दिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, मैथ, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के में ये चुने गए थे। इन्होंने लगातार पढ़ाई की करवाई लेकिन जब सरकार को शिक्षक मिल गए तो इन्हें एक झटके में निकाल दिया गया। इतने तेज़ी से कार्रवाई हुई कि इतनी तेज़ी से कार्रवाई किसी प्राइवेट जॉब में भी नहीं होती है। बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे इन्हें निकाल दिया गया और अभी सड़क पे है। मैं आ रहा हूँ के पास विजय कुमार सिन्हा जो है इस वक्त जो है बिहार में एक बिहार के उप मुख्यमंत्री है। देखिए चरित्र कैसे बदलता है नेताओं का, ये चरित्र आप अगर देखना चाहते हैं तो हम एक वीडियो आपको प्ले करवाते हैं और इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए कि जब पिछले साल तक विजय कुमार सिन्हा जब विपक्ष में थे तो उनकी बोली क्या थी, अब जो विपक्ष में है तो उनकी बोली क्या है। ये हमारे पास है विजय कुमार सिन्हा, कुछ सुन बताइए। वो बिहार की प्रतिभा का सम्मान करेगा जिसके नियत में खोट होगा, नियुक्ति घोटाला का खून जिसके मुंह में लग चुका है, इसके नाम पर असूली का खेल जो खेल चुका है, वो व्यक्ति अब नियुक्ति से कमाई का चुनावी फंडिंग जमा करने का एक वातावरण बना रहे हैं। लेकिन आपका पाप का घड़ा भर चुका है, बहुत जल्द फूटेगा, सच सामने आएगा। लखीसराय के विधायक हैं और ये चुके लखीसराय के हैं। 18 नवंबर 2023 का ये वीडियो है, कुछ और लोगों से मिलेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश रंजन। कहाँ से हैं आप? आरा जिला घर हुआ। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हम लोग को लेटर दे करके निकाल दिया गया अचानक से, जबकि गजट के माध्यम से हम लोग की बहाली हुई है और गजट के माध्यम से पारित हो करके हम लोग को विद्यालय से वापस करना चाहिए था। जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिहार में बाहर है नीतीश सरकार है, ये सब बातें बेकार है। कहने के लिए तो हजारों लाखों संख्या में बहाली ले जा रही है परंतु 2 लाख बहाली तो हुई है ना? 2 लाख कहाँ बहाली हुई है, 79,000 हुआ है। ये नाम का है कि जो है 2 लाख बहाली लिया गया। हाँ, और उसमें भी बिहार के, जैसे हम लोग बिहार से हैं, बिहार के लोगों को कहाँ दिया जा रहा है? ये नियम आ गया है बाहर के लोगों को नौकरी दिया जाए। अपना विषय बोलिए, आपके साथ क्या दिक्कत है? हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम लोग 6 वर्ष जो है जॉब किए, आज हम लोग को एकाएक हटा दिया गया। सरकार से हम मांग कर रहे हैं मगर हम लोग को टहलाया जा रहा है, इधर से उधर भटकाया जा रहा है। कभी शिक्षा मंत्री से जाके मिलिए तो कभी ACS से मिलिए। ACS कहते हैं कि जो है आप परीक्षा में नहीं बैठे, जबकि हम लोग का परीक्षा में बैठने का उम्र ही नहीं है। स्टेट क्वालिफाई रहते हुए भी हम लोग परीक्षा में नहीं सही बात है।
क्या नाम है आपका? ललन कुमार सर। कहाँ से ललन जी? मधेपुरा से हैं। मधेपुरा से है। किस स्कूल में पढ़ा रहे थे? स्कूल का नाम बताइए। रास बिहारी प्लस टू हाई स्कूल मधेपुरा। सर सदर में है, शहर में? बिल्कुल। तो क्या हुआ आपके साथ 30 मार्च 2024 को बताइए क्या हुआ? एक लेटर निकला जिसमें ये लिखा कि आप लोगों की सेवा समाप्त कर। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी? बिल्कुल। तो ये वो शिक्षक है, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, ये वो शिक्षक है जो अपनी आप बीती बता रहे हैं कि ये शिक्षक थे, सरकार के शिक्षा व्यवस्था के अंग थे, लेकिन एक झटके में सरकार ने नौकरी से बाहर कर दिया। जैसे ही काम पूरा हुआ, जैसे ही जरूरत पूरी हुई, इन्हें टिश्यू पेपर की तरह सरकारी कैनवास से बाहर किया गया। अब ये शिक्षक है, हालांकि शिक्षा विभाग में लगातार बहाली हो रही है और अब सरकार को चाहिए, शिक्षा विभाग को चाहिए कि इनके लिए कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। 25,000 का वेतनमान मिल रहा था तो इनका जीवन ठीक ठाक ढंग से चल रहा था, लेकिन आज इनके पास वो भी नहीं है। मैं क्या करना चाहता हूँ बताइए। ये सर, ये बहाली जो हमारी हुई थी, ये बिहार गजट है, ये देखिए, और इसमें साफ लिखा हुआ है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, पानी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र विषय के लिए अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित परिश्रमिक पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। और ये भी लिखा हुआ है 5 नंबर पॉइंट में, अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा देने वाले अतिथि शिक्षक विद्यालय के लिए शिक्षक के नियोजन होने तक कार्यरत रहेंगे। और हमारे पास ये 325 लेटर है सर, इसको दिखाया जाए, जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव का ये तुगलकी फरमान, जो 3/3/2024 का लेटर है, जिस समय हम स्कूल में पढ़ा रहे थे उस समय ये लेटर प्रकाशित हुआ पटना सचिवालय से, और हेडमास्टर को भी ये पता नहीं था कि गेस्ट टीचर को हटा दिया गया है। और हेडमास्टर से जब हम स्कूल आना बंद कर दिए 1 अप्रैल से, तो उसने हमें फ़ोन करके पूछा कि आप क्यों नहीं विद्यालय आ रहे हैं, तो हमने कहा सर हमें तो हटा दिया गया है सेवा से। तो उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की और उन्होंने भी एक लेटर बना के दिया, अभी तक मेरे स्कूल में कोई केमिस्ट्री का शिक्षक नहीं आया है। स्कूल का नाम बताइए। मेरा प्लस टू हाई स्कूल खुटहा, जो विजय कुमार सिन्हा उसी स्कूल के प्रबंध समिति के जो मेन होते हैं, जो विधायक के थ्रू उसमें वही थे, और उनसे मैं कई बार मिला हूँ, आते जाते रहते थे स्कूल में, और उन्होंने मेरा सम्मान हमको कहा था कि शाबाश ऐसे ही पढ़ाओ और तुम अच्छा तुम्हारा रेगुलर हो जाएगा। और हम जब वो उप मुख्यमंत्री बने, अब जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो चाह ही रहे हैं लेकिन हम कुछ सुना नहीं जा रहा है मेरा। अब ये स्थिति हो गई। क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम तो चाह रहे हैं कि आप लोग जैसा का हो जाए लेकिन हमारा कुछ सुना ही नहीं जा रहा है। तो सर क्यों आप मलाई मारने के लिए मुख्यमंत्री बने? तो ये वो शिक्षक हैं जो कह रहे थे कि आप इनकी जो हालत है वो इनके हालत को समझिए कि जिस तरीके से ये लोग सरकार के साथ खड़े थे लेकिन आज ये एक झटके में सड़क पे आ गए हैं। शिक्षा विभाग को चाहिए कि ऐसे लोगों का नियोजन कराया जाए, क्योंकि अब जो इनकी उम्र है वो 45 साल हो चुकी है, 50 साल हो चुकी है। अगर शिक्षा विभाग द्वारा बहाली निकालता भी है तो ये लोग उसके लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि अधिकतम उम्र सीमा 40 साल की होती है और इनकी उम्र जो है 45 साल 50 साल की है। एक बार और आप लोग के पास आते हैं, संक्षिप्त में बताइए आगे क्या सोचा है आपने? बोल दिया, आगे क्या सोचा है? हम लोग देखिए, जब तक हम लोगों का नौकरी वापस नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। इसके लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा, नहीं होगा हम मार तो नहीं सकते, मर तो सकते हैं ना, अपनी नौकरी के लिए हम मर भी सकते हैं। और क्या कहते हैं, रोड पर उतरेंगे, आने वाला इन लोगों का भी विधानसभा का चुनाव है, वहाँ भी हम लोग जो है सो हम चुप नहीं रहेंगे। हम लोग आज जो है जिस तरह से हम लोगों के साथ हो रहा है, आज इसको समाप्त नहीं करेंगे तो आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ भी होगा। इसलिए हम लोग चुप होकर के नहीं बैठेंगे। हम लोगों को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता है, अब फटकार करके निकाला जाता है और क्या कहते हैं पटना की धरती पर जो है इधर से उधर टहलाया जा रहा है। कितनी संख्या थे आप लोग जितने निकाले गए हैं? 4200। 4200 शिक्षक थे। बताइए, जिस तरीके से आता है कि बिहार में जो है शिक्षक जो है पढ़े लिखे नहीं है इसलिए बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, हम लोग भी आगे के आने वाले इलेक्शन में पढ़े लिखे नेता को चुनेंगे। अच्छा ठीक है जी। अंतिम बताइए सर, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम बच्चे को पढ़ाते थे कि सरकार को चलाने के लिए अधिकारी की बहाली की जाती है जी। हमने देखा अपने जीवन में, उम्र 55 साल हो गया, हम 55 साल की उम्र है, उम्र 55 साल हो गया, यहाँ सरकार को नहीं चलाने के लिए चाहिए। सरकार
मतलब अधिकारी सरकार को चलाते हैं, अधिकारी सरकार को चलाते हैं, ये एक शिकायत समान है कि सरकार अधिकारी चला रहे हैं। खैर, ये वो गेस्ट टीचर थे जिन्होंने जुलाई 2018 से सरकारी सेवा को ज्वाइन किया, लेकिन अब ये सड़क पे हैं। सरकार को चाहिए, शिक्षा विभाग को चाहिए कि समय रहते एक ऐसे बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि इनका भी नियोजन हो सके और जो है शिक्षा विभाग में द्वारा पढ़ाई का माहौल वापस हो सके, क्योंकि जब सरकार के पास शिक्षक नहीं थे तब इन्होंने नौकरी दी, तब इन्होंने सेवा की, आज ये सड़कों पर रहे। फिर एक हम नए मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।